एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSSB अड्डा 614। सो गाइस, मैंने पार्ट वन जो था आपका एंशियंट हिस्ट्री का वो यहाँ पे अपलोड कर दिया था। अब इसी के ऊपर यहाँ पे पार्ट सेकंड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर पार्ट सेकंड जल्दी से जल्दी लेके आओ, टाइम हमारे पास कम है। तो अब ऐसे कुछ बताओ कि किस टाइम के अंदर हम क्या चीज़ें कर पाएंगे। तो अभी गाइस ज़्यादा आपको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना चाहता, बस ये है कि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, अब आपने रिवीजन करनी है। और रिवीजन करने का एक ही तरीका होता है कि MCQs लगा लो। जितने ज़्यादा तुम MCQs लगाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी रिवीजन होगी। पढ़ना जितना तुमने था वो अब तुमने पढ़ लिया, अब इतना तो है नहीं कि अब मैं पूरी ढेर सारी बुक फिर से रिवाइज करूँगा। अब पढ़ने के लिए एक शॉर्ट चीज़ चाहिए होती है, वो होती है MCQs। MCQs में क्या होता है कि कुछ टॉपिक आपने पढ़ा होता है, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होती हैं, बट वो क्या होता है कि MCQs जब आप लगाओगे तो उस टॉपिक के अंदर कुछ आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वो न्यू चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे अब मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट टू है, यहाँ पे पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वैसे साइंस की मैंने 7 मॉक बना दी हैं, लिंक यू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा उसका वीडियो का, आप वहाँ से आके वो भी देख सकते हो। तो अदर सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एंड फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये वीडियो जो है ना आज जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपने पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जाते जाते फिर उसके बाद वीडियो को एक बार लाइक पक्का करना है। आज का जो लाइक का टारगेट है वो यहाँ पे 200 लाइक, मैं सिंपल 200 लाइक लेके चलूंगा कि 200 लाइक मुझे आएगा इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। आपके एक लाइक से मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, ठीक है। ये अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे 5 सेकेंड का आपको टाइमर दे रहा हूँ, उसके बाद आपने मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको आती हैं उसको स्किप करके आप सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाना। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे चाणक्य। चाणक्य ने यहाँ पे अर्थशास्त्र बुक आपकी लिखी हुई है, और चाणक्य का गाइस दूसरा नाम है यहाँ पे कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य को ही हम जहाँ पे चाणक्य बोलते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। हु रोट द पंचतंत्र, पंचतंत्र यो बुक ये किसने लिखी थी यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बुक रिलेटेड के ऊपर आपको काफ़ी MCQs आते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। सो द राइट आंसर इज विष्णु शर्मा, इन्होंने आपके पंचतंत्र बुक लिखी हुई है। अलेक्जेंडर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हाइडेप्स, ठीक है। हाइडेप्स बैटल जो हुई थी उसमें अलेक्जेंडर ने किसको डिफीट किया था। तो यहाँ पे आपके पास 5 सेकेंड आपको मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ये एंड तक क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे, और मैं ऐसे ही MCQs और आपको लिए लेके आता जाऊँगा। सो द राइट आंसर इज पौरस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रामचरितमानस इज एन एपिक पोयम रिटन इन विच लैंग्वेज, ठीक है। ये एक रामचरितमानस ये एक यहाँ पे पोयम है जो कि कौन सी लैंग्वेज में है। तो 5 सेकेंड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। सो द राइट आंसर इज अवधी लैंग्वेज के अंदर रामचरितमानस पोयम लिखी हुई है। गाइस अब आपने मुझे बताना है ये रामचरितमानस जो है ये पोयम है ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज कलिंगा वॉर वॉज फॉट इन द ईयर, कलिंगा वॉर ये हुई थी ये कौन से साल के अंदर हुई थी। ये तो आप सभी को पता होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 261 BC, ठीक है। ये अशोका के द्वारा ये वार हुई थी यहाँ पे, अपने 99 भाई को मार के यहाँ पे कलिंगा वार के बाद इन्होंने क्या किया था, राजा बने थे, और बाद में इनको रियलाइज हुआ था कि ये मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद इन्होंने एक रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था कि अपनी जो लाइफ है अब वो पीसफुली लाइफ जियेंगे, वो भी आगे क्वेश्चन एक आएगा। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अशोका वाज एन एम्परर ऑफ द विच डायनेस्टी, अशोका ये थे, ठीक है, ये कौन सी डायनेस्टी के एम्परर थे यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज मौर्य, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के ये यहाँ पे रूलर थे अशोका। क्वेश्चन नंबर सेवन, बिम्बिसारा वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, बिम्बिसारा कौन सी डायनेस्टी के राजा थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हारंग डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर एट, अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स ऑफ विच रिलीजन, यो अजंता केव्स है। अब यहाँ पे गाइस दो क्वेश्चन आपकी और बन जाते हैं,
कि अजंता केव्स और एक एलोरा केव्स, ये आपके कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में है ये, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे एक रिलीजन है यहाँ पे, तो वो कौन सा रिलीजन मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, वो मुझे बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सो द राइट आंसर इज बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुज रीजन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है। इस यो चार ऑप्शन आपको दे के रखे हुए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा यो है ना आपका इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज रहा हमारे इंडिया का। तो आपके पास 5 सेकेंड है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के टाइम यहाँ पे, ठीक है, यो आपकी हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें गोल्डन एज रहा था। सो 10th क्वेश्चन इज त्रिपिटकास आर रिलेटेड टू, ठीक है, यो त्रिपिटकास थे ये किस, ये यहाँ पे यो आपको दिखाई दे यहाँ पे, ये सारे रिलीजन है यहाँ पे, तो किसके किसके साथ रिलेट करता है त्रिपिटकास? सो द राइट आंसर इज बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 11th, चंद्रगुप्ता वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता जो है ये कौन से रूलर के ये कौन से डायनेस्टी के रूलर है यहाँ पे? ये सारे आपके एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया हुआ मैंने, इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आते हैं। सो द राइट आंसर इज मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के रिलेट करते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य। अजात शत्रु वाज द सन ऑफ, जो अजात शत्रु है ये किसके बेटे थे? सो द राइट आंसर इज बिंबिसारा। बिंबिसारा के बेटे थे। गाइस, अब आपको मुझे एक कमेंट बॉक्स के अंदर एक स्मॉल सा क्वेश्चन का आंसर देना है, अशोका यो थे ये किसके बेटे थे? क्वेश्चन नंबर 13, अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वार। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कलिंगा वार 261 BC के अंदर हुई थी, 99 BY को अपने मार के ये यहाँ पे राजा बने थे, और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी पीसफुल लाइफ जीना शुरू कर दी इन्होंने, और वो पीसफुल लाइफ तब की जब इन्होंने एक रिलीजन अडॉप्ट किया, और वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। हरी आप। सो द राइट आंसर इज बुद्धिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ। चाणक्य मतलब कौटल्य, कौटल्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ किसके थे? बाबर के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अकबर थे, या कौटल्य? कौटल्य तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसका। सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ये चीफ एडवाइजर थे चाणक्य। सो क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। यू गाइस, जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, और बुद्धिज्म के ऊपर मैं पूरा एक टॉपिक आपको बना दूंगा जहां से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? सो द राइट आंसर इज राजगिरा। राजगिरा में यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सो गाइस, आज जो मेरे क्वेश्चन थे वो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अब पसंद आई है तो प्लीज़ आपने खाली कुछ नहीं करना है, अब वीडियो को यहाँ पे एक तो लाइक कर देना, ठीक है, और दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और तीसरा आपको कमेंट करके ये बताना है कि हाँ ये सीरीज़ जो चला रहे हो वो अच्छी है और कंटिन्यू ही रहनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना, और अगर हमसे कुछ फ्री में आपकी हेल्प हो रही है तो हम उसमें यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे, हमारा चैनल सबसे आगे रहेगा आपके लिए, आपको फ्री नॉलेज देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे विद MCQs हम आपको अच्छी तरह से करवाएंगे, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे, और बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखना। थैंक यू।